ओके सो ऑल गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं स्काई में नेम एलियट वाले वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आप कैसे बना सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूं, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक वीडियो शूट करना होगा कुछ इस तरह से। वीडियो शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। तो आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका वीडियो 8 से 10 सेकेंड तक का ही चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम 3:2 लेफ्ट करेंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 8 सेकेंड तक का सीन चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम 3:2 राइट कर देते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, 3:2 राइट कर देंगे। तो आपका वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं 12 सेकंड के आसपास हो चुका है। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम 3:2 राइट करते हैं। इसके बाद आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, इस प्रकार आपको वीडियो को शूट कर लेना है। लेकिन जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपके वीडियो में स्काई दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको देखना है, जैसे कि हम यहाँ पे मैं हाथ से इशारा करता हूँ कुछ इस तरह से, इस पोजीशन में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फुल स्क्रीन में इसे आपको कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिर्फ आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपको क्रोमा की को यहाँ पे सही से एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल क्रोमा की मैंने इनेबल कर दिया हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको हल्का ब्राइटनेस कम कर देना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद जो भी लास्ट का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम 3:2 राइट कर देते हैं। जब आप वीडियो फाइनली प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं एक दिल जो है आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ तरह टर्न ले रहा है। तो इस पोजीशन में आना है और आपको यहाँ पर लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और जो भी आप टाइप करना चाह रहे हैं अपने नाम के स्टार्टिंग वर्ड वो टाइप कर लेना है। इसके बाद एस में टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह से इसे जूम कर लेना है और हल्का सा इसे कुछ रोटेट कर देना है और यहाँ पर आपको साइड में एडजस्ट कर देना है। इस साइड में मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको साइड राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद स्पीड आपको 0 पॉइंट स्पीड यहाँ पे आपको 1.0 रहना है। लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को 3:2 राइट कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे फिर से हमें टेक्स्ट वाले पे, इसको हल्का छोटा कर देंगे और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ओपेसिटी का, क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से हल्का कम कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और वीडियो आपको यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सेटिंग पर आना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।